वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में आप लुई ज़ैम्परिनी के जीवन की सच्ची कहानी देखेंगे। लुई ज़ैम्परिनी यूएस के ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी हिस्सा लिया था, जिसमें उनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया था। बिना खाना पानी के उन्होंने कई दिनों तक समुद्र में अपने जीवन की जंग लड़ी। वहाँ से उनको जापानियों ने कैद करके जेल में डाल दिया। जापानियों ने उनको बहुत टॉर्चर किया, पर उन्होंने कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके। मूवी की डायरेक्टर है एंजेलिना जोली, जो कि खुद हॉलीवुड फिल्म की बहुत बड़ी हीरोइन है। ये उनकी डायरेक्ट की हुई फर्स्ट फिल्म है, जो अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.2। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुई एक बहुत शैतान लड़का होता है। वो स्मोक भी किया करता था और दूध की बोतल में शराब डालकर पिया करता था। एक आदमी लुई को स्मोक करते हुए देख लेता है। वो उसके घर वालों से उसकी कंप्लेन करता है, जिस पर उसकी मॉम उसे बहुत डांटती हैं। अगले दिन ग्राउंड में रेस हो रही होती है। कुछ लड़कियां बेंच पर बैठकर रेस देख रही होती हैं। लुई उनके बेंच के नीचे बैठकर उन्हें ही देखे जा रहा था। एक आदमी लुई को देख लेता है। लुई डरते हुए वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है। लुई का बड़ा भाई उसे भागते हुए देख लेता है। उसे उसके अंदर एक एथलीट नजर आता है। उसका बड़ा भाई उसकी ट्रेनिंग कराने लग जाता है। लुई को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, पर उसके भाई को उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो उसे मोटिवेट करता है। लुई सीरियस होकर प्रैक्टिस करने लगता है। भागते भागते लुई जवान हो जाता है। अब वो एक बहुत अच्छा एथलीट बन चुका था। लुई ने समर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया होता है, जहाँ की रेस में लुई की रैंक 8th होती है। वो रेस जीता तो नहीं होता है, पर 5000 मीटर रनिंग में उसने रिकॉर्ड सेट कर दिया होता है, और ये लुई के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। फिर दिखाया जाता है वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो जाती है। लुई ने एयर फोर्स में हिस्सा ले लिया होता है। उसकी पोस्ट एक बॉम्बार्डियर की होती है। लुई और उसकी टीम को एक मिशन दिया जाता है। एयर फोर्स का एक प्लेन समुद्र में क्रैश हो चुका था। लुई और उसके साथियों को जिंदा बचे हुए सैनिकों को ढूंढने का मिशन दिया जाता है। लुई अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकल जाता है, पर मिशन के दौरान उनके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। उनके खुद का एरोप्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। लुई और उसके दो साथियों की जान बच जाती है, बाकी सोल्जर प्लेन के साथ ही डूब जाते हैं। उन दो लोगों का नाम होता है फिल और मैक। उनके पास एक राफ्ट होती है, जिस पर चढ़कर वो लोग अपनी जान बचाते हैं। एक्सीडेंट के वजह से फिल के सर पर चोट भी लग गई होती है। लुई देखता है उनके पास कुछ चॉकलेट्स होती हैं। वो मैक से कहता है कि हम इसमें से एक बाइट शाम को और एक बाइट सुबह लेंगे। एक पानी की बोतल होती है, कहता है कि बहुत ज्यादा प्यास लगने पर ही हम थोड़ा सा पानी पियेंगे। रात होने पर सभी सो जाते हैं। लुई सुबह उठकर देखता है मैक ने दोनों चॉकलेट्स खा ली होती हैं। लुई उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वो लोग समुद्र में कर भी कह सकते हैं। लुई अपने गुस्से को शांत कर लेता है। उनको समुद्र में 3 दिन बीत चुके होते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो रही होती है। उनकी राफ्ट पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। ये चिड़िया उनका खाना होती है। लुई ने चिड़िया को पकड़ लिया होता है, पर तीनों जब उसे खाते हैं वो उन्हें हजम नहीं हो पाती। तीनों को उल्टी हो जाती है। तब फिल कहता है हमें मछली पकड़नी चाहिए। फिल ने एक मछली पकड़ भी ली होती है। तीनों लोग मिलकर मछली को खाते हैं। आज इतने दिनों बाद उन्हें खाना मिला था। समुद्र में पूरे 18 दिन बीत चुके थे। कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आया था और उन तीनों की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। एक रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है। समुद्र में तूफान आने लगता है। तीनों लोगों को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। लुई भगवान से प्रार्थना करने लगता है। वो कहता है अगर आपने मेरी जान बचा ली तो मैं अपना बचा हुआ जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। रात बीतने के साथ ही तूफान भी शांत हो गया था। 33 दिनों के बाद भूख और प्यास से मैक की मृत्यु हो जाती है। समुद्र में पूरे 47 दिन बीतने के बाद एक जापानी शिप उन्हें देख लेता है। वो लोग लुई और फिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहाँ से वो उन दोनों को अलग करके प्रिजनर्स कैंप में भेज देते हैं। कैंप में लुई के ऊपर और भी मुसीबत आने वाली थी। इस कैंप का इंचार्ज होता है कॉर्पोरल वटनाबी। वो एक बहुत ही बुरा इंसान होता है। वटनाबी की नजर लुई पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा होता है। वो लुई के पास जाकर कहता है मेरी आँखों में देखो। लुई के देखने पर वो लुई को मारता
करता है। लुई उसकी तरफ देखता है, वो फिर लुई को मारता है। लुई उसकी तरफ नहीं देखता है, वो फिर कहता है मेरी तरफ देखो, और लुई के देखने पर वो फिर उसे मारता है। उसे कहता है आज के बाद मेरी तरफ मत देखना। अगले दिन सभी कैदियों को फिर से लाइन में लगाया जाता है। वटनाबी कहता है हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड प्रिजनर्स हैं। वो एक डायरी लाया होता है और कैदियों से पूछता है आप में से शेफ कौन है। एक कैदी हाथ उठाता है, कहता है हमारे पास एक ओलंपिक एथलीट भी है। कौन है वो एथलीट? लुई अपना हाथ उठाता है। वो अपने एक सैनिक और लुई के बीच में रेस लगवाता है, पर लुई की हालत तो पहले से ही खराब थी। दौड़ पाना तो दूर, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रेस में लुई हार जाता है और वटनाबी उसे फिर मारता है। कुछ हाई रैंक जैपनीज ऑफिसर्स कैंप में आए होते हैं। वो लुई को बताते हैं कि अमेरिकन सोच रहे हैं कि तुम वॉर में मर चुके हो, उन्होंने तुम्हारी फैमिली को भी यही बताया है। वो अपने साथ एक रेडियो कंपनी के ऑफिसर को लाए होते हैं। वो बताता है हमारा एक प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होता है, उसके जरिए तुम अपनी फैमिली को अपने बारे में बता सकते हो। वो लोग लुई को अपने साथ रेडियो कंपनी में लाए होते हैं। लुई रेडियो के जरिए अपनी फैमिली को मैसेज देता है, अपने बारे में बताता है। वो बताता है मैं अभी जिंदा हूँ, टोक्यो के प्रिजनर कैंप में हूँ। उसके फैमिली मेंबर्स ने भी 2 साल बाद उसकी आवाज सुनी होती है। मैसेज देने के बाद लुई होटल में बैठा होता है। वही ऑफिसर्स उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें रेडियो पर एक और मैसेज देना होगा। एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर अमेरिका के बारे में बहुत गलत बातें लिखी होती हैं। साफ शब्दों में वो लुई को अपने देश से गद्दारी करने के लिए कह रहे थे, पर लुई इस बात के लिए साफ मना कर देता है। लुई के मना करने पर उसे वापस कैंप में भेज दिया जाता है। वटनाबी लुई से कहता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, हम दोनों मजबूत हैं। मैंने ये चीज पहले ही दिन तुम्हारी आंखों में देख ली थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, मगर जापान का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और वो जेल में मौजूद सभी कैदियों को कहता है कि तुम सबको लुई के मुंह पर एक घूंसा मारना होगा। मजबूरी में आकर सभी कैदियों को लुई को एक एक घूंसा मारना पड़ता है। इससे लुई की हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ दिन बीत जाने पर वटनाबी लुई के पास आता है। वो उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और प्रमोशन के बाद मुझे यहाँ से दूसरे कैंप में जाना होगा। मैं कल ही यहाँ से निकलूंगा, तुम मुझे बधाई दे सकते हो। पर लुई उसे कुछ भी नहीं कहता, जिससे वटनाबी को बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ दिनों बाद एक रात को कैंप के ऊपर बॉम्ब्स गिरने लगते हैं। बॉम्ब के वजह से कैंप में आग लग गई थी, जिसे अमेरिकन सोल्जर ही बुझा रहे थे। ये कैंप जल जाने के वजह से सभी कैदियों को एक नए कैंप में शिफ्ट किया जा रहा था। नए कैंप में पहुंचकर वो लोग देखते हैं ये कोयले की खान होती है, जहां पर कोयले का ही काम किया जाता था। सभी सोल्जर्स को लाइन में लगा दिया जाता है। ये वाला कैंप पिछले कैंप से बड़ा था। लुई यहाँ के इंचार्ज को देखता है, वो घबरा जाता है और गिरने वाला था, क्योंकि यहाँ का इंचार्ज वटनाबी ही था, लुई का पुराना दुश्मन। वो सभी कैदियों को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद लुई के पास आता है। लुई ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो लुई से कहता है तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे, और लुई को मारने लगता है। सभी कैदियों के साथ लुई भी अपना काम कर रहा होता है, पर एक जापानी सोल्जर आकर उसे ऊपर से धक्का दे देता है। लुई के पैर में चोट लग जाती है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। अगले दिन उसके पैर में चोट लगे होने के वजह से वो धीरे चल रहा था, जिस पर एक जापानी सोल्जर उसे पकड़कर वटनाबी के पास लाता है। उसके सामने लकड़ी के बहुत बड़े बड़े पीस रखे होते हैं। वटनाबी लुई को उसे उठाने को कहता है। एक तो जेल में ऐसे भी उनकी हालत खराब हो रखी थी, ऊपर से लुई बहुत कमजोर भी हो रखा था, लेकिन जैसे तैसे करते हुए लुई उस लकड़ी को उठा लेता है। वो उसे लकड़ी सर के ऊपर करने को कहता है। लुई के उठा लेने पर वो अपने सैनिक से कहता है अगर ये इस लकड़ी को नीचे करे तो इसे गोली मार देना। लुई के लिए लकड़ी को उठा कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर वो काफी देर तक लकड़ी को उठाए रखता है। लुई लकड़ी को अपने कंधे तक ले आया था। पूरे कैंप के सभी लोग अपना काम रोक कर लुई की तरफ देख रहे होते हैं। लुई के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, वो वटनाबी की आंखों में देखने लगता है। वो चिल्लाते हुए लकड़ी को अपने सर के ऊपर ले आता है, जिसे देखकर सभी अमेरिकन सैनिक खुश हो जाते हैं। लुई वटनाबी की आंखों में
आंखें डालकर उसे देखे जा रहा था, जिससे वटनाबी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वटनाबी उसे अपनी तरफ देखने से मना कर रहा था, पर लुई ने उसकी आंखों में आंखें डाल रखी थी। लुई बड़ी से बड़ी सिचुएशन का सामना कर सकता था, उसी के वजह से इस मूवी का नाम पड़ा था अनब्रोकन। वटनाबी लुई के ऊपर डंडे से हमला कर देता है। वो लुई को बहुत मारे जा रहा था, इतना मारता है कि वो खुद ही थक जाता है। लुई पूरी रात वहाँ पर बेहोश पड़ा रहता है। अगले दिन सभी अमेरिकन सैनिकों को बताया जाता है कि लड़ाई अब खत्म होने वाली है। आज का दिन एक सेलिब्रेशन की तरह होता है। वो सभी कैदियों को होकुरा नदी में नहाने को कहते हैं। सभी कैदी सोच लेते हैं कि ये लोग हमें नदी में ले जाकर जान से मार देंगे। नदी में पहुँचने पर सभी जापानियों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया था, पर तभी सभी सैनिक आसमान में देखते हैं अमेरिका के प्लेन्स उनके ऊपर से गुजरते हैं, जो इस बात का संकेत था कि अब वॉर खत्म हो चुकी है। सभी सैनिक खुशी से नाचने लगते हैं। अमेरिकन प्लेन्स सभी सैनिकों को खाना और पानी भिजवाते हैं। लुई वटनाबी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में गया होता है, पर वटनाबी वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। लुई वहाँ पर वटनाबी के बचपन की और उसके फादर की तस्वीर टेबल पर देखता है। लुई अमेरिका वापस आ गया होता है और सबसे पहले वो अमेरिका की जमीन को चूमता है। आज इतने सालों के बाद उसने अपने देश की जमीन पर कदम रखा होता है। मूवी खत्म हो जाती है और हमें असली लुई की तस्वीर दिखाई जाती है। उसकी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। लुई की शादी हो गई होती है और उसके दो बच्चे हुए होते हैं। उसका दोस्त फिल भी जिंदा बच गया था। लुई ने जैसा वादा किया था उसने अपनी जिंदगी भगवान की सेवा में बिताई थी। लुई जापान जाकर कई जापानी सोल्जरों से भी मिला होता है, पर कई साल बीत जाने पर भी वटनाबी लुई से मुलाकात नहीं करता है। वॉर के वजह से लुई का जापान में ओलंपिक्स में दौड़ने का सपना पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी साल 1998 में लुई ने अपने इस सपने को भी पूरा कर लिया था। मूवी के एंड में बताया जाता है 2 जुलाई 2014 को लुई ज़ैम्परेनी का निधन हो गया था और तब उनकी उम्र 97 थी। ये मूवी पूरी फ्लैशबैक में बनी होती है, पर हमने इसके सभी इवेंट्स को सीक्वेंस वाइज आपको दिखाया है ताकि आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आए। ये मूवी बहुत ही मोटिवेटिंग थी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। अगर आप लोगों को भी मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।